अभी है, बाकी जो काम बाकी है। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक मिनट बाबा, इधर आओ ना, दरवाजे में चलो। ओके गाइस, सभी लास्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं किसके कपड़े में भी बड़ी किसकी समस्या है। लास्ट क्वेश्चन इज बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्थान मरवली है, ये सभी को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी स्थान मरवली है, उनके नाम पर दिल्ली में किस फ्लाईओवर का नाम उनके नाम पर रखा गया है, दिल्ली में किस फ्लाईओवर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। द क्वेश्चन इज बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्थान मरवली है, उनके नाम पर दिल्ली में किस फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। More than 90% and have got certificates. The students who have secured more than 90% can come here, please. 90% से ज्यादा जो भी क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है, प्लीज आने का रिक्वेस्ट करें। प्लीज गिव देम अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। कांग्रेचुलेशन गाइड यू ऑन द सब्जेक्ट्स। इफ यू वांट फर्दर स्टडीज फॉर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। Also for the students who have secured land. वो आपके उत्साह वर्धन के लिए यहाँ पर आए हैं।
और निश्चित रूप से आप भी ये चाहोगे कि आज जब इस कार्यक्रम में हम अपने माता पिता के साथ आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से ग्रहण करके जरूर जाएं। जो पुराना किला के नीचे दबी हुई है और उसके बाद मिहिरावली में बसी, मिहिरावली का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन भाई बाली जी ने हमें जो ये दे दिया, इस पर कुतुब मीनार का चित्र है और सबसे कंट्रोवर्शियल बात आज मेहरौली की होने जा रही है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। मैं इस समय मेहरौली के अग्रसेन वाटिका में हूं। यहां पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आए उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उनको पारितोषिक दे करके उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जो हमारे जो यहाँ मेहरौली के जो लीडर हैं, समाज सेवी हैं, संध्या सिंगल जी, वो भी आई हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। मैडम ये बताइए कि आज जो आप लोग इस कार्यक्रम के लिए जो आए हैं, ये जो कार्यक्रम ये किस लिए रखा गया है ये कार्यक्रम, और आपको कुछ यहाँ पर इनाम भी दिया गया है, मंच पर बुला के एक पारितोषिक दिया गया, आपको सम्मानित भी किया गया है, तो बताइए ये किस तरह का ये कार्यक्रम है और ये किस लिए किया गया और किन के द्वारा किया गया है? ये जो ये कार्यक्रम हमेशा हर साल आयोजित करते हैं संदीप बाली जी, उनकी RW है और उनके जितने भी RW के उनके साथी उनकी टीम है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि मेहरौली के किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कितने हमारे क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया जिसके तहत सबको बुला के सम्मान कर दिया जा रहा है, और जहाँ तक ये तो हम लोगों के बच्चों को ही मिलना चाहिए, तो उन्होंने हम लोगों को सम्मान के रूप में दिया। मुझे लगता है कि मैडम आप लोगों के इस समाज में अच्छे कार्यों के लिए इस तरह से आपको सम्मानित किया गया है। हालांकि अभी तो आप देख रहे होंगे कि इस मेहरौली की जो हालत है, मैं बार बार आपसे ये सवाल मैं कर चुका हूँ कि ये बहुत ही बद से बदतर इस समय इसकी हालात हो चुका है, कहनों का एक ऐतिहासिक है। लेकिन अभी इसी मेहरौली में एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी का भी एक मामला सामने आ रहा है, जो वो कुतुब मीनार को लेकर के है, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि जो कुतुब मीनार का क्या मामला है, और अभी ये कोर्ट में जो 9 जून का इसका फैसला आने वाला है, और अदालत ने भी इस बारे में कुछ अपने क्या कहते हैं कि अपने जो जजमेंट में उन्होंने कुछ कहा है कि पूजा आपका अधिकार तो है पर वो मौलिक अधिकार नहीं है, जो 800 वर्षों से जो चीज़ जैसे चल रहा है उसको छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है, तो इस पर कुछ आप टिप्पणी देना चाहेंगी? देखिए ये तो हम सभी को पता है कि जब मुग़ल आक्रांता आए थे हमारे देश में, तो उनकी एक नीयत थी कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ के उन्होंने हमारा समाज था, हमारे सनातनी थे, उनको उन्होंने ये टीज दी कि देखो हमने तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए और उसके ऊपर हमने अपना अधिकार जमा के, और बाकायदा तो बड़े से वहाँ पर साइन बोर्ड पर लिखा भी हुआ कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके इस स्थान का निर्माण किया गया। तो इस तरह से कहते हैं ना कुतुब इस्लाम, उन्होंने ये बताया कि हम देखो जो कुतुब मीनार है उनको एक बना के उन्होंने दिखाया कि देखो हम लोगों की ताकत को देखो, तो उन्होंने इस तरह से हम सनातनियों को एक नीचा दिखाने की कोशिश की। वैसे भी उन्होंने कितने सारे लोगों के धर्म परिवर्तन कराया अपने जोर ज़बरदस्ती के कारण, तो जो उस समय कमज़ोर थे वो धर्म परिवर्तन कर लिया, मगर धर्म परिवर्तन करा मगर जो हमारी धार्मिक संस्कृति और धार्मिक जो हमारी चीज़ें हैं, धरोहर है, उसको वो बदल नहीं पाए, तो उसके अवशेष जो उनकी जो मूर्तियाँ हैं जो उन दीवारों पर चिन्हित है
और ये तो बकायदे सबने देखी है, बच्चा बच्चा वहाँ देखता है, जबकि वहाँ पर जितने भी वहाँ पर जो गाइड्स होते हैं वो भी हम सभी को यही बताते हैं कि जितने धार जो हिंदू और जैनी मंदिर तोड़ के बनाया गया था वहाँ पर गणेश जी की भी है, हमारी जो सरस्वती जी की भी जी हैं, लक्ष्मी जी की विष्णु सबकी मूर्तियाँ वहाँ दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये धार्मिक स्थल था, जबकि ये कुतुब मीनार जो थी जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी, उन्होंने इसका एक जो हमारे कहते हैं ना ये नक्षत्रों को अध्ययन करने का एक स्थान था, 27 मंदिरों का जो नक्षत्रों का वो जो चीज था, अच्छा नक्षत्रों का स्थान होना, आप देखो जगह टूटे टूटे पड़े हुए हैं, वो स्थान इस तरह का था इतनी बड़ी कुतुब मीनार से। और एक और हमारी इसमें आस्था जुड़ी कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी इतने ऊपर से जब यमुना के दर्शन कर लेती थी तभी वो खाना खाती थी शाम को, तो इस तरह से उन्होंने इस तरह का एक लोगों की विचारधारा है। मगर वास्तविक में ये विष्णु स्तंभ है जो कि जिसकी उस समय की लिपि में लिखा हुआ है, जो कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। आप अभी जो लोग हैं वो उसकी मूर्तियों को तोड़ दें काट दें मगर उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये हमारा धार्मिक स्थल है और रहेगा, ठीक है नाम कुछ भी चला हो या इंटरनेशनली ASI उसको कुछ भी कहती हो, ASI का उन्होंने यही कहा है कि जो पूजा स्थल नहीं था 800 साल से नहीं हुआ है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए क्योंकि पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, मगर फिर भी ASI को भी आदेश है, उन्होंने भी सर्वे करना शुरू किया है। चलिए तो ये थे हमारे संध्या सिंगल जी, हमारे साथ में एक मेहरौली के और भी एक समाज सेवी है, तो मैं उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं राजेश खरबंदा मेहरौली का निवासी हूँ और ये जो मेहरौली प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का जो प्रतियोगिता हो रही है इस टीम का RWA का मैं मैनेजिंग कमेटी का सदस्य हूँ। अच्छा, जो अभी कार्यक्रम हो रहा उनके मैनेजिंग कमेटी का आप सदस्य भी हैं? जी हाँ। तो ये जो कार्यक्रम है ये हर साल आयोजन किया जाता है? जी हाँ, ये हर साल आयोजन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से ये प्रोग्राम 2 साल से नहीं हुआ, तो अब फिर से इसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, अगले साल भी फिर ये कंटिन्यू रहेगा। तो इनमें एक बात बताइए खरबंदा जी कि यहाँ किन बच्चों को जो पुरस्कार दिया जा रहा है, जिनको सम्मानित किया गया है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, तो उसमें जो किन किन बच्चों को उसका कैटेगरी क्या है? ये सभी मेहरौली के निवासी हैं और सभी किसी भी स्कूल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो वो सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद इनके जो मार्क्स आए हैं जो इनसे क्राइटेरिया क्या था इसमें जो पार्टिसिपेंट होने का, ये जो लोग यहाँ पे जो आए हैं जिन बच्चों का आप जो इनाम दिए हैं या सर्टिफिकेट दिए उनका क्राइटेरिया क्या था? इनका क्राइटेरिया था इनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग है, प्रतिभा निखारी जाए इनकी जो बच्चों के अंदर छुपी। कुछ नंबर का परसेंटेज का कुछ था नहीं? कुछ नहीं था, लेकिन जो बच्चे जिन जो आला दर्जे में पास हुए हैं फर्स्ट क्लास में उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार इसमें हिस्सा लिया है। तो आपने सुना जो राजेश खरबंदा जी इन्होंने बताया कि जो बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उस तरह का उनका मनोबल भरे इसलिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करके उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, उनको प्रशंसा पत्र दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। देखो सर ये हमें दिखाने नहीं आ रहे भाई साहब, अभी लेट आए हैं लेकिन भगत राम हो चुकी है हमें दिखाने नहीं। अंकल इधर घूम जाओ, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों इनसे घटा के लेके ना पुरानी अंकल घूम जाओ ये हमारे मन में हो आगे बोल तो देंगे ना लोग। इधर देखो जी, दिखाने इधर देखो जी, हमें यकीन जो मानते मिलता है इधर देखिएगा। थैंक यू सो मच तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो इनाम कार्यक्रम चल रहा है, मैंने काफी लोगों से बात किया, यहाँ पे हमारे जो पूर्व पार्षद जो है किशनगढ़ के मनोज महलावत जी या जो बच्चे हैं जिनको यहाँ इनाम मिला है और सरिता जी भी है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी आ जाए यहाँ पे।
तो मैं इन बच्चों से और इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा बेटे। अरुण कुमार। तो अरुण कुमार, ये जो आपको आज जो पारितोषिक इनाम दिया गया, सर्टिफिकेट दिया, किस लिए दिया गया ये, और ये क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम हमारे जो पिछले साल 12th में पास आउट हुए थे, जो स्कोर किया था, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें प्रोत्साहन और आगे के लिए बढ़ावा मिले, उसके लिए हमें यहाँ पे समारोह में सम्मानित दिया गया है। और हमारे निगम पार्षद जो आए हुए थे, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और पुरस्कार दिया। कहाँ से आए आप? मैं मैरोली से। मैरोली से आप कहाँ से आए हो? मैरोली। मैरोली। नाम क्या है? अमित पटेल। किस क्लास में पास आउट हुए? 12th। 12th में। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सूरज है। और आप किस क्लास में पास आउट हुए? 12th क्लास ही पास करी पिछले साल। अच्छा, इतना छोटे में 12th पास हो गए। और आप बेटे? सृष्टि। सृष्टि, खाते नहीं हो सृष्टि? खाती हूँ। तो एक तो दुबले कैसे है? वैसे ही थोड़ा। किस क्लास में पास आउट हुए? 12th में। आप बेटे? प्रीति कुमारी। और आप किस क्लास में? तो हमारे बीच में जो हमारे जो मनोज मेलावत जी है, तो उनको मनोज जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। ये एक तो सबसे पहले कि आप तो दिल्ली में अभी इस टाइम तो क्या कहते हैं कि एमसीडी तो रही नहीं, एमसीडी भंग हो गया, आप लोगों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तो आज आप यहाँ पर आए, तो किस तरह का ये कार्यक्रम है ये? देखिए, सबसे पहले तो ना एमसीडी भंग हुई है, एमसीडी एक हुई है, और एमसीडी ना कार्यकाल समाप्त हो, जनसेवा करनी हो, पब्लिक सेवा किसी न किसी रूप में हम करते रहे थे और करते रहेंगे। ये हमारा ना ही सिर्फ कर्तव्य भी है और हमारी एक कार्य करने की शैली है कि हमें हर कहीं जरूरतमंद दिखाई देगा या समाज के हित के जो काम होंगे उन हम उनको निरंतर जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। और आपने पूछा आज का जो कार्यक्रम था, सच में एक मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक और बड़ा मील का पत्थर कह सकते हैं इस कार्यक्रम को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे ऊर्जावान छात्र हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, जिन्होंने 10th 12th में काफ़ी अच्छे नंबर लिए अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तो उनका एक हौसला बढ़ाने का आज जो कार्य किया हमारी मेहरूर RW ने, सच में वो बधाई की पात्र है। और ऐसे नेक कार्य, ऐसे समाज हित के कार्य, ऐसे देश के भविष्य के उज्ज्वल के काम जो हैं वो होते रहने चाहिए। तो ये थे हमारे मनोज मेलावत जी। अब ये हमारे सरिता जी हमारे बीच में, मैं सरिता जी जो हमारे जो दिल्ली के पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, तो मैं सरिता जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम, आज आपने बहुत अच्छा अंदर स्पीच दिया कि मैं भी एक माँ हूँ, और जो आपने कहा जो बच्चों पे एक बहुत सारा बर्डन होता है जो नंबर ऑफ गेम का, तो लेकिन बाहर जगह देशों में इस तरह का जो नहीं होता, हम लोग अपने बच्चों के सिर्फ एक नंबर के खेल में उलझा के रख देते हैं और बच्चे भी थोड़ा सा अंदर से डर जाते हैं। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप भी माँ हैं और आप भी चाहते कि बहुत अच्छा नंबर मेरे बच्चे लेकर आए, और आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो आज जो इस मेहरौली एरिया के बच्चों को आपके तरफ से क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, मैं सभी बच्चों को सबसे पहले तो उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देती हूं, अग्रिम शुभकामनाएं, आगे चलकर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम जरूर रोशन करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने अपने बातचीत में भी कहा कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, तो बस ज़रूरत है उसको पहचानने की और उसके अंदर निकालने की। और लड़ाई में जब आप लड़ने के लिए एक बार शुरू हो जाते हैं ना, तो वही आपकी पहली जीत वही होती है। लड़ाई जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो एक अलग सवाल है, लेकिन उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा खड़ा होना ज़रूरी है। मैं मेहरौली जो मेरी, क्योंकि मैंने यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है मेहरौली विधानसभा से, तो यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों के लिए भी और सभी बच्चों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, मेरी खुद की बेटी अभी 12th में आई है, तो हम कहीं ना कहीं इस नंबर गेम में रहते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है। जैसे अभी आने वाले समय में जो बच्चों का कॉलेज में एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर होगा, तो आपके ऊपर नंबर लाने का बहुत एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो थोड़ा कम होगा और धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी करें, आप कॉमर्स पढ़ें, आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, आप साइंस पढ़ें, आप कल्चर पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, बच्चों से यही कहना चाहूँगी जो भी पढ़ें उसमें अपना 100% देने का प्रयास करें, और जिस चीज़ में हमारी रुचि है उसी को हम पढ़ें और उसी में हम अपना कैरियर की दिशा में आगे बढ़ें। मैम, पढ़ाई से एक सवाल है हमारा,
क्योंकि अभी जो सरकार है आप ही लोगों की पार्टी की भी सरकार है, और इससे पहले क्योंकि जो पढ़ाई होता था सिलेबस होता था यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि लोगों को बच्चों को महाराणा प्रताप के पिता का नाम नहीं पता, शिवाजी महाराज के पिता का नाम नहीं पता, पर औरंगजेब के पिता का नाम पता है, बाबर का पिता का नाम पता है। तो इस तरह की जो यहाँ पर सिलेबस पढ़ाया जाता था इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारी, मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा अभी कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, वो चाहे किसी से भी संबंधित है, किसी जाति समुदाय या विशेष से नहीं, जो किसी से भी संबंधित है, हमें अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने देश का इतिहास नहीं जानेंगे तो हमें दुनिया का इतिहास कभी समझ में नहीं आ सकता। लेकिन हमें अपना इतिहास से तो वंचित भी रखा गया ना। देखिए वो कहीं ना कहीं उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमियाँ रहीं, और इस चीज़ को सरकार महसूस भी कर रही है और उसमें बहुत सुधार करने का प्रयास कर रही है, सुधार कर भी रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इस चीज़ को समझा और वो समय समय पर वो खुद बच्चों से बात करते हैं, चाहे उनके परीक्षा के दिनों की बात हो, मन की बात हो, वो खुद जो है विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं हमेशा, और उनको सुखद भविष्य की कामना भी उनकी करते हैं। और उनके कुछ ऐसे पहलू होते हैं, माँ बाप का एक पहलू है, बच्चों का अलग पहलू, उस पर भी वो खुलकर बातचीत करते हैं, और कहीं ना कहीं आज हर बच्चा उनसे जो है प्रेरणा ले रहा है और उनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो धन्यवाद आपका। ये थे सरिता जी। तो अभी जो हमारे बीच जो मेहरौली के पूर्व पार्षद पुष्पा सिंह जी हैं, अभी हमने आपको इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जो लीडर हैं बच्चों से, हमने सभी से बात किया, हर पहलू पे बात किया, और अभी हम पुष्पा जी से बात करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते, धन्यवाद। मैम आज बताएं, आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में आई हैं और आपने बहुत अच्छा स्पीच भी दिया, और उस स्पीच के अंदर में आपने कहा कि इस तरह का जो कार्यक्रम है मेहरौली में आयोजन नहीं होता है, तो इसका क्या कारण, और इस कार्यक्रम के जो आयोजन से आज हमने देखा कि बच्चों में बहुत ही उत्साह था, एक हर्षोल्लास था, उसका जो मनोबल बच्चों का बहुत बड़ा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। बालीजी इस प्रोग्राम में हमें भी जो भूमिका निभाने के लिए कहते हैं, तन से मन से धन से, हम भी करते हैं। पूरी और भी लोग हैं मेहरौली के जो सक्षम हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं और मिलजुल कर सारा ही प्रोग्राम होता है। इसमें जो बच्चों को, जो 10वीं और 12वीं के बच्चों को, होनहार बच्चों को जब सर्टिफिकेट, मेडल और शील्ड दी जाती है, उससे बच्चे के अंदर एक उत्साह और एक लगन की भावना बढ़ती है। जो बच्चे सोचते हैं मेरे 90% आए, अगली बार वो 95% लाते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों में ये लगन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेहरौली में। काफ़ी बच्चे तो आके कहते भी हैं कि आंटी उसको मुझे थर्ड प्राइज मिला, अगली बार मुझे फर्स्ट मिलेगा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, ये लगन और उत्साह जो बालीजी के सहयोग से जो हो रहा बच्चों में, बहुत अच्छी बात है। यानी कि बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये थे हमारे जो पुष्पा सिंह जी हैं पूर्व पार्षद जो मेहरौली के, और अब यहाँ पे जो यहाँ के जो आयोजक हैं, हम संदीप बाली जी या कुछ संदीप बाली जी से बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बताएं कि आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों का मनोबल एकदम कहते अप, यानी कि 100% से भी ऊपर दिख रहा है बच्चों में, एक खुशी का माहौल दिख रहा है, एक हर्षोल्लास दिखा उनके अंदर, एक एनर्जी भावना आया। तो ये कार्यक्रम जो आपने आयोजन किया, तो ये कार्यक्रम आप कितने दिनों से चला रहे हैं, और कितने मतलब जो, और किन किन बच्चों का आप इनाम देते हैं और किन को पारितोषिक देते हैं? ये जो कार्यक्रम है हमने 2014 में शुरुआत की थी, इस कार्यक्रम को करते हुए हमें 8 साल हो गए, और अब तक करीबन हम 8 सालों के अंदर जो आज का आंकड़ा मिला लें तो करीबन हम 2000 बच्चों को अब तक अवार्ड दे चुके हैं। 75% से ऊपर जिन बच्चों के नंबर आते हैं, डिस्टिंक्शन आती हैं, उन बच्चों को हम लोग अवार्ड देते हैं। पूरे 3 महीने ये प्रक्रिया चलती है, जैसे ही बोर्ड्स के रिजल्ट्स आते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मार्केट में चले जाते हैं, और उसके बाद बच्चे फॉर्म भर के जमा कराते हैं, उसके बाद लिस्ट बनती है, उसके बाद हम ये डेट डिसाइड करके कार्यक्रम करते हैं, और शहर के सभी सम्मानित लोगों को, समाज सेवकों को, चुने लोगों को बुलाते हैं और उनसे बच्चों को आशीर्वाद दिलाते हैं, जिससे उनको प्रेरणा मिले भविष्य में कुछ करने के लिए, उनका हौसला अफजाई हो। तो बाली जी ये बताएं कि यहाँ जो पार्टिसिपेट जो बच्चे होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया उनका कुछ होता है कि सिर्फ पहला तो ये है कि मेहरौली के अंदर वो बच्चे पढ़ने चाहिए, मेहरौली के स्कूलों से उनका संबंध होना चाहिए, मेहरौली के निवासी होने चाहिए, और 75% से ऊपर उनके मार्क्स होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है। इसी के साथ जो मैं आज का जो है ये कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।